नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। आज के दौर में बेटियां जहां बेटों के साथ हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, वहीं हरियाणा की बेटियों ने कदम और आगे बढ़ाते हुए यह साबित कर दिखाया है कि उनमें हर क्षेत्र में आगे जाने का जज्बा बरकरार है। जहां किसान आंदोलन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं, वहीं हरियाणा की बेटियों ने अपनी परिजनों की अनुपस्थिति में घर से लेकर खेत तक की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है, जिसे देखकर प्रदेश के हर नागरिक के मुंह से यही निकलता है कि हमारी छोरियां किसी से कम नहीं। कड़कड़ाती ठंड में जहां लोग रजाइयों में दुबके हैं, वहीं प्रदेश की पढ़ने की उम्र में बेटियां खेत खलियान भी संभाल रही हैं। यह नजारा हमें देखने को मिला हरियाणा के फतेहाबाद जिले में, जहां बेटियां हाथों में कसी फावड़े लेकर खेतों में काम करती दिखाई दी। हालांकि यह इनका शौक नहीं है, फिर भी इनके जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। ये बेटियां खेतों में इसलिए गई क्योंकि नए कृषि कानूनों के विरोध में इनके परिजन दिल्ली बॉर्डर पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी गैर मौजूदगी में किसानों के बच्चे खेती बाड़ी संभाल रहे हैं। इस जिम्मेदारी में बेटे ही नहीं बल्कि बेटियां भी खेतों में सिंचाई से लेकर अन्य कामकाज कर रही हैं। हरियाणा के फतेहाबाद के गांव भरपूर में ऐसे ही एक परिवार के पुरुष सदस्यों के किसान आंदोलन में भाग लेने के चलते बेटियां खेतों में कसी चला रही हैं। फतेहाबाद के भरपूर गांव की बेटियां भी कसी लेकर खेत में काम करने के लिए पहुंची और खेत में सिंचाई करने के लिए नाकाबंदी व गेहूं में खाद का छिड़काव कर रही हैं। खेत में काम कर रहे किसानों की बेटियों का कहना है कि उनके पिता व भाई आंदोलन में गए हुए हैं, इसीलिए हम खेत में आकर काम कर रहे हैं ताकि फसल देख रेख के अभाव में खराब ना हो। उन्होंने कहा कि मेहनत करके परिवार अन्न उगाता है, इसीलिए बाजुओं में पूरी ताकत है। इस दौरान परिवार की अन्य महिलाएं भी उनके साथ रहीं। उन्होंने कहा कि घर का चूल्हा चौका यह सब काम छोड़कर अपनी खेती संभाल रही हैं। किसानों की बेटियों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि इन कृषि कानूनों को तुरंत रद्द करें ताकि उनके परिजन सहित देश के हजारों किसान वापस अपने घरों को लौट सके। हमारे माँ बाप वहाँ पे गए हुए हैं कि किसान आंदोलन दिल्ली गए हुए हैं कि जो हमारी मांगी है किसानों की वो जल्द से जल्द पूरी कर दी जाए, और मोदी से यही गुजारिश करते हैं कि वो जो किसान भाई जो मांगे मांग रहे हैं पूरी करने के लिए कह रहे हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी कर दी जाए। पहले हम घर का भी सब काम करते थे, बारी पोछा झाड़ू रोटी सब्जी सब करते थे, अब हमें साथ के साथ खेतों का भी काम करना पड़ रहा है साथ के साथ, क्योंकि हमारे परिवार वाले दिल्ली गए हुए हैं। ये किसानों के बारे में जो आंदोलन चल रहा है ना, इसको लेकर हमारे परिवार वाले दिल्ली गए हुए हैं, तो हम मोदी जी से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि मोदी जी आपको क्या ठंड नहीं लगती, हम भी तो ठंड में यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपको भी हमारे बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा ना, आप भी थोड़े हमारी गुजारिशों को पूरा कीजिए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.